दोस्तों ऐसा है, अगर हमें घर के लिए सेफ्टी लॉक परचेस करना है तो सबसे पहले कौन सा ब्रांड हमारे दिमाग में आता है? जी हाँ दोस्तों, गोदरेज ही हमारे दिमाग में आता है, बिकॉज बिलीव होता है कि गोदरेज का लॉक है तो सच में अच्छी सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। लेकिन घर के सेफ्टी के लिए अगर हम गोदरेज का लॉक खरीद सकते हैं तो फिर गोदरेज का घर खरीद कर कितना सेफ फील कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आज मैं आया हूँ बदलापुर में, जहाँ पे गोदरेज बना रहा है विया सिटी। और मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं गोदरेज का ब्रांडिंग है, 124 ईयर्स ऑफ मेकिंग इंडिया। अगर आप ध्यान से घर में देखोगे ना तो गोदरेज का कोई एक तो प्रोडक्ट आपको घर में देखने जरूर मिलेगा। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुंबई, नवी मुंबई के आसपास अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए या फिर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो तो एक बार आपको गोदरेज के इस प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहिए, बिकॉज अफोर्डेबल सेगमेंट में लग्जरी लाइफस्टाइल के प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं और अच्छा एक्सपीरियंस कस्टमर को दिया जाता है, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल जो है हमारे सामने गोदरेज ने रखा है। मेरे पीछे का ये बैकग्राउंड देखिए, जो हमारे पहले के सब्सक्राइबर या फिर जो पहले के व्यूअर्स है जो बार बार वीडियोस देखते हैं, उनको याद आया होगा कि ये प्रोजेक्ट मैंने पहले भी कवर किया था। फेस वन जो इनका ऑलरेडी कंप्लीटेड था जिसमें ऑप्शंस नहीं थे, पर फेस टू में कुछ फ्यू ऑप्शंस अवेलेबल थे, वो आपके साथ मैंने शेयर किए थे। और तब भी मैंने आपको बताया था कि फेस थ्री भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और इसी रीजन से आज यहाँ पर हम आए हैं। इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ फेस थ्री में क्या कॉन्फ़िगरेशंस देखने मिलेंगे, क्या प्राइजेस होगी और कब तक ये डिलीवर्ड होने वाला है। ये सारी डिटेल जो है आज के वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो शायद से थोड़ा बड़ा बन सकता है लेकिन पूरा देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट के बारे में देने वाला हूँ, फिर चाहे वो प्राइजिंग हो फिर चाहे वो कनेक्टिविटी। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग जो होंगे जो नई तरीके से इस प्लेटफॉर्म पर आएंगे, इस यूट्यूब के हमारे चैनल पर आएंगे और नई तरीके से वीडियो देखेंगे, उन्हें थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, इसके लिए जो है ना बेसिक से इन्फॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट की शेयर करना चाहेंगे। दोस्तों, बदलापुर से टूवर्ड्स करजत जाने के लिए जो मेन रोड है उसी रोड पर जो है ना ये प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है। बदलापुर स्टेशन उतरते तो आसानी से शेयरिंग ऑटो जो है ना हमें यहाँ तक लेकर आती है। डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो 13 एकड़ में जो है ना ये पूरा प्रोजेक्ट डिलीवर्ड होने वाला है, जिसमें आपको फेस वन, फेस टू, फेस थ्री, फेस फोर और फेस फाइव ऐसे ऑप्शंस देखने मिलेंगे। फेस वन, फेस टू जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। फेस टू में कुछ पहले ऑप्शंस थे, अभी भी शायद से कुछ इक्का दुक्के ऑप्शंस जो है आपको उसमें मिल सकते हैं, एक बार कॉल करके कंफर्म कर लीजिएगा, स्क्रीन के ऊपर मैं नंबर दे रहा हूं। लेकिन फेस थ्री में जो है ना हमें 1 BHK और 2 BHK के ऑप्शंस देखने मिलने वाले हैं। अब दोस्तों, 13 एकड़ पे कोई प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है तो डेफिनेटली एमिनिटीज आने वाली, और गोदरेज का नाम है, इतना बड़ा ब्रांड अगर कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है तो डेफिनेटली एमिनिटीज जो अच्छी होनी चाहिए थी। कुछ बेसिक एमिनिटीज है जो आपके साथ शेयर करता हूँ, पर आप यू नेम इट वी हैव इट ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आप जो बोलोगे वो सारी एमिनिटीज मेजोरिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे जिम, गार्डन, स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, क्लब हाउस, ऐसे कई सारी एमिनिटीज जो है ना इस प्रोजेक्ट में आपको देखने मिलने वाली है। लेकिन स्पेशली आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्काई गार्डन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, स्काई गार्डन एक ऐसा प्रोजेक्ट है ना जिसमें आपको रूफ टॉप एमिनिटीज मिलने वाली है। जैसे सामने जो मॉड्यूल रखा है उसके ऊपर हम देख सकते हैं, गार्डन हो गया आपका, बाकी के जो सिटिंग्स एरिया होते हैं वो सारी चीजें जो होती है ना वो पूरे आपके टेरेस के ऊपर ही पूरी सेट की जाने वाली है। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में जो है ना जो फेस थ्री है उसमें हमें देखने मिल सकता है टावर नंबर 10, 11, 12 जो है हमें यहाँ पे आराम से देखने मिलता है। ऑफ कोर्स ये मॉड्यूल है, आपको साइट विजिट के लिए भी लेके जाऊंगा, सैंपल फ्लैट इनका बना हुआ है, वो सैंपल फ्लैट भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन बताना चाहूंगा ये जो है तीनों 18 स्टोरी के टावर बनने वाले हैं, जिसमें टावर नंबर 10 जो है वो ऑलरेडी 13 स्टोरी तक कंप्लीट हुआ है, टावर नंबर 11 जो है वो 18 स्टोरी तक है और टावर नंबर 12 जो है लेंथ लेवल पे। दोस्तों ऐसा है, जैसे आपने पिछली बार किया था, साइट विजिट पे भी हम जाने वाले, सैंपल फ्लैट भी जो है ना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले किस तरीके से ये प्रोजेक्ट पूरा डेवलप होने वाला है, किस तरीके से लैंड इनके पास अवेलेबल है वो समझना जो है ना थोड़ा ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम प्लान समझेंगे, फिर उसके बाद जो है ना हम साइट विजिट के लिए जाएंगे और सैंपल फ्लैट भी शेयर करेंगे। हालांकि फेस थ्री किस तरीके से बनने वाला है, किस तरीके से डेवलप होने वाला है, उसका मॉड्यूल आपके साथ मैंने शेयर किया है, लेकिन लैंड किस तरीके से सेटल्ड है वो आपके साथ पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरफ आता है बदलापुर, इस तरफ जो आता है करजत, ऐसे तो ये है हमारा बदलापुर करजत हाईवे। और हाईवे के एग्जैक्टली सामने यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ से प्रोजेक्ट की जो है ना एंट्री शुरू हो जाती है। इस तरफ जो है अभी के लिए ऑफिस बना हुआ है जहाँ पर मैं अभी बैठा हुआ हूँ, और यहाँ पे एंट्री करते हैं तो सबसे पहले इस रोड से अगर हम आगे आके यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले इनका हुआ था ये वाला फेस वन जो पूरा सोल्ड आउट है। फेस टू जो है यहाँ पे हमें देखने मिल सकता है, जो कि
पूरा कंप्लीट हो चुका है, पजेशन भी दिए, कुछ शायद से एक आध दो ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं। मैंने पहले भी बताया स्क्रीन के ऊपर नंबर पॉपअप हो रहा है, उस पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन लीजिए, कुछ ऑप्शंस अगर आपको मिल गए तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज जो है अंडर कंस्ट्रक्शन ये जो तीन टावर हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, टावर नंबर 10, टावर नंबर 12 और टावर नंबर 11, ऐसे जो है ना तीन टावर इसमें हमें देखने मिलने वाले हैं, जिसका कंस्ट्रक्शन स्टेज भी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है। बाकी इसके अलावा जो है ये आपको यहाँ पे लैंड दिख रही है जहाँ पे मेंशन किया हुआ है फ्यूचर डेवलपमेंट, इसमें भी और दो फेस जो है ना नए लॉन्च होने वाले हैं। तो ये पूरा लैंड जो है ना दोस्तों वो 13 एकर का है। दोस्तों साथ ही मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी नए लोकेशन पे लोग शिफ्ट होना चाहते हैं या फिर नए लोकेशन पे लोग रहने आते हैं तो उससे पहले लोगों का जो है ना एक सवाल होता है कॉमन के, बच्चों के स्कूलिंग का क्या, बच्चों के फ्यूचर का क्या, और इसी चीज का जो है ना ध्यान गोदरेज ने रखा है। यहाँ पर जो आपको मैंने प्लान एक्सप्लेन किया था, ये हमारा बदलापुर करजत रोड था और उसके बैक साइड में भी यहाँ से भी एक एंट्री जो है ना इनके पास अवेलेबल है, और उसी एंट्री के पास में जो है ना बिहार इंटरनेशनल करके यहाँ पे ना स्कूल डेवलप किया जा रहा है, जो अभी इस साल के जुलाई से ना शुरू होने वाला है। नर्सरी से लेके फिफ्थ स्टैंडर्ड तक जो है ना अभी एडमिशन ओपन होने वाले हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ जो है ना वो भी अपग्रेड होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है जहाँ पर आप रहने आओगे तो ज़्यादा करके मेजोरिटी लोगों का ट्रैवलिंग और बच्चों के फ्यूचर का ये ज्यादा कंसर्न होते हैं, उस दोनों का भी जो है ना ध्यान यहाँ पर गोदरेज ने रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों काफी सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस प्रोजेक्ट की आपके साथ मैंने शेयर कर दी है, लेकिन अब हम चलने वाले हैं, तो आइए इस तरफ जो है ना हमने एंटर कर लिया और अभी हमने स्टेपिंग किया है हमारे 1BHK के सैंपल फ्लैट के लिविंग रूम में। दोस्तों बताना चाहूंगा सैंपल फ्लैट क्या होता है। तो सैंपल फ्लैट सिर्फ सैंपल के लिए होता है, जिसमें सारा फर्नीचर, बाकी की सारी चीजें, इक्विपमेंट, लाइट, एसी वगैरह इंस्टॉल करके दिखाया जाता है कि किस तरीके से जो है ना आपका पूरा फ्लैट लग सकता है आपने पूरा फर्नीचर करने के बाद, या फिर फर्नीचर करने के बाद कितना स्पेस हो सकता है या फिर किस तरीके का सिस्टम यहाँ पे सेट हो सकता है वो सिर्फ समझ में आना चाहिए, इसके लिए जो है ना ये पूरा इंस्टॉल करके बताया जाता है। अब बात करेंगे दोस्तों पहले फ्लैट की, तो ऐसा जो है ना बड़ा सा लिविंग रूम हमें यहाँ पर देखने मिलता है, उसके बाहर जो है ना ओपन स्पेस हमें थोड़ा सा मिल जाता है जिसे जनरली लोग एबी एरिया कहते हैं। तो ऐसा कुछ जो है ना एबी एरिया जो है यहाँ पर सेट हो जाता है, हम कर देते हैं अभी के लिए क्लोज। और इस तरफ अगर हम सामने देखते हैं तो यहाँ पे हमारा आ जाता है डाइनिंग एरिया। जी हाँ दोस्तों, कुछ इस तरीके का जो है ना हमारा डाइनिंग एरिया सेट होगा। इस तरफ जो है ना एक स्मॉल काउच सेट हो जाता है, बड़ा सिटिंग एरिया यहाँ पर हो जाता है, और एग्जैक्टली इसके सामने यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे सेट हो जाता है आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो कुछ ऐसा जो है ना लिविंग रूम का पूरा सेटअप होने वाला है। अब इसके बाद जो है आपको किचन दिखाता हूँ। तो लिविंग रूम के सामने छोटा सा स्पेस होता है, स्पेस के अगर इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमें देखने मिल जाता है डबल प्लेटफॉर्म। अगेन बताना चाहूंगा इस तरफ भी जो है ना बाहर की तरफ छोटा सा एक ओपन स्पेस हमें अवेलेबल हो जाता है, कुछ इस तरीके का जो है ना अप्रोक्स एक पूरा फर्नीचर करने के बाद मॉड्यूलर किचन सेट करने के बाद जो है ना ऐसा आपका किचन हो सकता है। एग्जैक्टली उसके सामने यहाँ पर हम देखते हैं तो ये होने वाला है हमारा कॉमन वॉशरूम, जिसमें हमें शावर एरिया देखने मिलता है, WC देखने मिलता है, और यहाँ पर जो है हैंड वॉश देखने मिलता है। फिर से जहाँ से हमने शुरुआत की थी, जो स्पेस था लिविंग रूम और किचन के बीच में, उसी स्पेस पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक स्पेस जो है ना हमें वॉशिंग मशीन के लिए अवेलेबल हो जाता है। और उसके आगे बढ़ते हैं तो फाइनली ऐसा कुछ जो है ना हमें बेडरूम देखने मिलता है। बेड ऑलरेडी जो है ना यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आइडिया आ सके। ऐसा जो है ना अगेन फ्रेंच विंडो देखने मिलेगा सामने की तरफ, छोटा सा जो है ना यहाँ पे भी एक स्पेस हमें बाहर इतनी एरिया मिल जाता है। यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो ऐसा कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम और कुछ स्टडीज के लिए, रीडिंग के लिए ऐसा टेबल सेट हो सकता है यहाँ पे। ये जो है ऑलरेडी इतना जो है ना अंदर होता है, डीप होता है, ताकि आपका जो है ना पूरा वार्डरोब इसमें सेट हो सके। इसके अगर इस तरफ हम आते हैं तो यहाँ पे फिर से हमें देखने मिलता है वॉशरूम। जी हाँ दोस्तों, सारे 1BHK जो है ना मास्टर बेडरूम के साथ, इसीलिए हम यहाँ पे वॉशरूम देखने मिलता है, जिसमें हमें देख सकते हैं यहाँ पे शावर एरिया, WC, हैंड वॉश, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट जो है ना पूरा यहाँ पे देखने मिलता है। दोस्तों ये था हमारा 1BHK का सैंपल फ्लैट। अब जो है मैं आपको एक्चुअल साइट विजिट के लिए लेकर चलने वाला हूँ। आइए फिर चलते हैं साइट विजिट के लिए। तो दोस्तों ये था वो ऑफिस जहाँ पे बैठ के मैंने आपके साथ सारी डिटेल शेयर की। ऑफिस से बाहर आया हूँ, मैंने जब बात की साइट विजिट के लिए जाने के लिए, तो सबसे पहले उन्होंने मेरे हाथ में जो है ना ये सेफ्टी कैप थमवाई। गोदरेज के लॉक फेमस है, सेफ्टी फेमस है, और ब्रांड है तो ब्रांड जैसा ही एटीट्यूड होगा, ब्रांड जैसा ही बिहेवियर होगा।
साइट विजिट के लिए सेफ्टी कैप जो है ना, हेलमेट जो है ना, मस्ट होता है। थोड़ा बता देता हूँ कैसे काम करता है। ये सिर्फ प्लास्टिक का कैप है, हम ऐसा समझ सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ना, ये देखिए, ये जो पोर्शन है ना, ये अलग से है। तो हम जब पहनते हैं तो ये पोर्शन पे हमारा जो अपर पोर्शन होता है वो सेट हो जाता है, लेकिन इस पे कुछ गिरता है तो बीच में ये जो होलो स्पेस होता है ना, उसके वजह से जो है ना, हमें जो हमारा स्कल होता है वहां तक डैमेज नहीं होता है। तो भाई अच्छी बात है, धूप बहुत है और सेफ्टी इज फर्स्ट। तो सेफ्टी के लिए मैं ये पहन लेता हूँ अभी के लिए और चलते हैं फिर साइट विजिट। तो दोस्तों सामने ये जो आपको गेट दिख रहा है वो था हमारा करदत, और जो बदलापुर रोड है वो हाईवे के ऊपर का मेन गेट। इस तरफ जो है ना, ये ऑफिस हम देख सकते हैं। पहले मैंने आपको बताया था फेज वन कम्प्लीटेड है। फेज टू में मैंने आपके साथ पहले वाले वीडियो में कुछ इन्वेंट्री शेयर की थी, वो है हमारा फेज टू। यहाँ पर फेज थ्री बन रहा है स्काई गार्डन, टावर नंबर 1, 2, 3 जो है ना, या फिर 10, 11, 12 जो है ना, वो यहाँ पे आने वाले है। और ये पूरा ओपन लैंड जो है ना, ये फ्यूचर डेवलपमेंट, यानी कि दो और फेज जो आने वाले वो है। बाकी चलिए फिर आपको मैं लेकर चलता हूँ साइट विजिट के लिए। तो दोस्तों फाइनली हम यहाँ पर है, फेज थ्री जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका काम चल रहा है। आपको मैंने बताया था 18 स्टोरी के जो है ना, 3 टावर बनने वाले हैं। पहला टावर इस तरफ हम देख सकते हैं, ये दूसरा टावर है। जैसा मैंने आपको बताया कि काम कितने कितने स्टोरी पे, तो ये 13 स्टोरी पे है, ये 18 स्टोरी पे है, और जो टावर नंबर 12 था, ऐसा है, फिर से समझा के बताता हूँ। टावर नंबर 10, टावर नंबर 11 और टावर नंबर 12। तो टावर नंबर 10 जो है वो 13 स्टोरी तक बना है, 18 स्टोरी का वो भी बनने वाला है। ये ऑलरेडी टावर नंबर जो 11 है वो 18 स्टोरी का और 18 फ्लोर तक जो है ना, उसका स्लैब हो चुका है। और सामने जो बन रहा है वहां पर हम देख सकते हैं, जो प्लेंथ लेवल तक आया है वो टावर नंबर 12 है। और सामने आपको जो दिख रहा है वहां पर है हमारा फेज टू, और उसके पीछे के साइड आता है फेज वन। ये जो एंट्री हमने इस तरफ से देखी थी, ऐसी सेम एंट्री जो है ना, यहाँ के इसके पीछे के साइड से, यानी कि इस प्रोजेक्ट के लिए दो एंट्री हमें मिल जाती है। और इसके पीछे यहाँ पर जो है ना, विहा स्कूल भी, विहा इंटरनेशनल स्कूल भी जो है ना, ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है बिल्डिंग, और इस साल जो है वो शुरू होने वाला है। नर्सरी से लेके फिफ्थ स्टैंडर्ड तक जो है ना, अभी एडमिशन शुरू होंगे, बाद में धीरे 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 उसको अपग्रेड किया जाएगा। और यहाँ पर ये पीछे जो पूरा लैंड दिख रहा है आपको, ये लैंड होने वाला है फ्यूचर डेवलपमेंट, जहाँ पर इसमें आने वाला है फेस 4 और फेस 5। तो दोस्तों प्रोजेक्ट की डिटेल्स आप लोगों के साथ सारी शेयर कर दी है, साइट विजिट मैंने आपको करवा दी है, 1 BHK और 2 BHK के इसमें कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाला है, ये भी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी है। प्राइसिंग आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, लेकिन बताना चाहूंगा बिल्डर सबवेशन प्लान जो है इस प्रोजेक्ट में टावर नंबर 10 और 11 के लिए एप्लीकेबल है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको आसान करके बताता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो अभी जो टावर नंबर 10 और 11 दोनों को मर्ज करके मैं बताऊँ, तो 80-90% पे जो है ना, ये डीवे, मतलब उतना कंस्ट्रक्शन इसका हो चुका है। तो जनरली क्या होता है, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बुक करते हो तो जैसे 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 उसका स्टेज बढ़ता है, वैसे 5-5, 10-10, 15-20, 30% जो है ना, उसमें स्लैब वाइज पेमेंट आपको भरना होता है। लेकिन बिल्डर सबवेशन प्लान में कस्टमर का फायदा होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया टावर नंबर 10 और 11 अभी 80-90% के आसपास ड्यू है। तो आपको अचानक से ना 80-90% पेमेंट करना नहीं है, या फिर बैंक से लोन भी करवाते तो बैंक से 80-90% तुरंत जो है ना आपका डिसबर्समेंट नहीं जाएगा। आपको सिर्फ स्टार्टिंग में जो है ना 10% ओन कॉन्ट्रीब्यूशन और स्टैम्प ड्यूटी का जो पैसा आता है वो भरना है। फिर आपको 4-5 महीने का टाइम मिलेगा रिमेनिंग जो 40% पेमेंट करना है उसके लिए। बैंक से भी अगर आप लोन लेते हो तो 4-5 महीने के बाद ही जो है ना उसका जो डिमांड नोट निकलता है उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट होगा। और बाद में फिर जो है ना 45% का निकलेगा एट द टाइम ऑफ CC, बाद में जो है ना उसका 45% का डिमांड निकलेगा एट द टाइम ऑफ OC, और फिर पोजेशन के टाइम पे सिर्फ आपको 5% भरने के लिए आएगा। तो आइडियली देखा जाए तो जो अभी आपको 80-90% पेमेंट करना था वो सिर्फ आपको 40, और जो आपका ओन कॉन्ट्रीब्यूशन था 10%, मतलब 50% ही भरने को आएगा। और बाद में जो 50% होगा उसमें से 45% जब OC बिल्डिंग की प्रोसेस में होगी, रिसीव का टाइम होगा उस टाइम पे 45% और 5% फिर पोजेशन के टाइम पे। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको पेमेंट के लिए ना स्केड्यूल टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा मिल रहा है, और इसे कहा जाता है बिल्डर सबवेशन प्लान। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अंडर कंस्ट्रक्शन भी लेते हो तो इस बार ये बेनिफिट जो है ना आप लोग उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपके साथ जो है प्राइसिंग भी अभी शेयर कर देता हूँ। दोस्तों इसमें जो 1 BHK है 466 जो है, इसमें कार्पेट एरिया आता है 32,50,000 जो है ऑल इंक्लूसिव प्राइस है। जी हाँ दोस्तों, 32,50,000 का जो है 1 BHK है, जिसमें 466 जो है ना कार्पेट एरिया मिलता है। 2 BHK की अगर हम बात करें तो 592 जो है ना कार्पेट एरिया का 2 BHK है, जिसकी
49 लाख रुपीज जो है पैकेज प्राइस है, ऑल इंक्लूसिव प्राइस है। अगर आप 2BHK में थोड़ा सा और बेटर एरिया चाहते हैं तो इसमें जो है अलग अलग साइज के थोड़े बड़े फ्लैट भी जो है ना आपको मिल सकते हैं, उसकी प्राइस जो है ना आपको 60 लाख तक जाते हैं। जितना बड़ा फ्लैट आप चॉइस करोगे उसके अकॉर्डिंगली जो है ना प्राइसिंग थोड़ी सी जो है ना इसमें अप होने वाली है, पर बताना चाहूंगा 49 लाख रुपए से शुरू होकर 60 लाख रुपए तक जो है ना इसमें 2BHK के ऑप्शंस मिलेंगे। साइज वाइज जो है ना ये प्राइसिंग डिपेंड करेगी। दोस्तों बताना चाहूंगा इस प्रोजेक्ट पर अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आपको पॉपअप हो रहा है उस पर कॉल कर लीजिए, इनकी पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी भी आपको मिल सकती है। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना। इतने धूप में ये प्रोजेक्ट शूट किया है, आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल थी तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना नहीं। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।